8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसमें ना तो कोई लेफ्ट हैंड साइड है ना कोई राइट हैंड साइड है। 3 आपको टर्म्स दी गई हैं जो आपस में इक्वल है। कैसे करें सुनो, इसको इसके इक्वल लेके आएंगे, इसको भी इसके इक्वल लेके आएंगे। समझ गए? अब देखो लिखते हैं जरा हम सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे देखेंगे यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉट को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई स्टूडेंट्स? बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और डिवाइड करेंगे नीचे भी ऐसे ही साइन स्क्वायर ए यहाँ आएगा, ठीक। साइन स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करूँगा साइन स्क्वायर ए आएगा, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब ऐसा सीन बनता है तो ये यहाँ आ जाता है और ये टर्म यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हुआ और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हुआ तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है टेन स्क्वायर ए, इसको लेके चले थे ये आ गया। अब लिखना क्या है यहाँ, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, ठीक है। ये पहला पार्ट मान लो, ये सेकंड पार्ट मान लो, इन दोनों पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल ला रहे हैं। नाउ लिखेंगे नाउ, ठीक। 1 माइनस देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और ये होल स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है, ओके। देखते हैं आगे, जरा चलते हैं आगे। देखो जी यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस ए माइनस साइन ए और अपॉन कॉस ए, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा साइन ए, सॉल्व सिंपलीफाई कर दिया मैंने डायरेक्ट, अपॉन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, और होल में चल रहा है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर में। देखो जी बहुत ध्यान से देखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। ये डिवाइड का साइन हटा के इसका मल्टीप्लिटिक इनवर्स ले लूँ रेसिप्रोकल, ठीक, मल्टीप्लाई करके साइन ए और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इंटू साइन ए अपॉन, अच्छा एक काम करो, ये जो साइन ए ये वाला साइन ए और ये कॉस ए इसको टेन ए ले लेते हैं तो ये हो गया टेन ए, ठीक है, टेन ए और यहाँ से आया साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। एक बात बताओ ना, माइनस का जब स्क्वायर ओपन होगा तो प्लस ही आएगा, तो कितना आ गया टेन ए का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए और यहाँ लिख दोगे आप सेकेंड पार्ट